हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस एडिट्स में। और आज हम एडिटिंग करके दिखाने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल जाए। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। गाइज आपको ये वाला बैकग्राउंड ले लेना है। तो गाइज हम इसको पहले पिक्सआर्ट में ओपन करेंगे। हमने देखा ये पिक्सआर्ट में आ चुका है हमारा बैकग्राउंड। तो गाइज हम पहले यहाँ पे ऐड फोटो पर जाएंगे और ये इंस्टाग्राम टीवी वाला इमेज ले लेंगे और इसे यहाँ लगा देंगे गाइज। और यहाँ से प्लस पर जाएंगे, ऐड फोटो पर जाएंगे और अपने मॉडल को ले आएंगे। तो गाइज ये मॉडल को आप यहाँ लगा देंगे सही से। तो गाइस यहाँ से आप कर देंगे, तो गाइस यहाँ से हमें ओके कर देना है। तो जैसे कि आप सबने देखा, हमने अपना बिठा लिया है। तो गाइस हम ड्रॉ टूल्स में जाएंगे। ड्रॉ टूल्स में जाकर इनकी शेडो बनाएंगे गाइस, शेडो। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ शेडो बना रहे हैं हम गाइस, शेडो बना रहे हैं गाइस। शेडो बन चुकी है हमारी, शेडो कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस हम इसको थोड़ी सी ओपेसिटी कम रख देंगे बस। तो गाइस यहाँ से कर देंगे ओके। तो गाइस आपको दोबारा ऐड फोटो पर जाना है और इस नियॉन पीएनजी का ले लेना है और इसे ब्राइट पर डाल कर देना है। स्क्रीन स्क्रीन बड़ा थोड़ा सा छोटा करेगा, इसे कोने पर लगा देना है गाइस। और हम जाएंगे अब एडजस्ट टूल में। तो गाइस हम टूल में जाएंगे और सॉरी गाइस क्या आ गया, सॉरी गाइस। चलिए हम अब एडजस्ट में जाएंगे। तो गाइस हमने टूल ऑप्शन एडजस्ट ओपन कर लिया। तो हम इसी पहले ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देंगे और सेचुरेशन कर देंगे बहुत ही, -2.5 कर देंगे। और गाइस यहाँ पे जाएंगे इरेजर पे, इरेजर पे जाएंगे इन्वर्ट और ब्रश पर जाकर अपने फेस पर आप इसे कर देंगे गाइस फेस पर, ताकि हमारा फेस ज़्यादा ब्राइट हो। गाइस हम यहाँ कर देंगे अपने उस फेस पर कर देंगे गाइस। सब देख रहे हैं गाइस हमारा फेस ब्राइट हो रहा है। तो गाइस मैं इसे जल्दी जल्दी कर देता हूँ, तो वीडियो को पॉज कर दे। गाइस हो चुका है, हम यहाँ से कर देंगे इसे डन और यहाँ से भी कर देंगे डन। और ब्यूटी में जाकर फेस फिक्स में जाएंगे और फेस को थोड़ा स्मूथ करेंगे गाइस, थोड़ा सा ब्रश की साइज को कम इसे कम कर देंगे गाइस। यहाँ पर जाके इसे फेर देंगे गाइस, इसे कर देंगे ओके, इसे कर देंगे गाइस ओके। वैसे हमारा लगभग फोटो तैयार हो चुका है और हम इसमें एक टेक्स्ट पे अब हेयर पीएनजी और लगाएंगे। वैसे हम एड फोटो में जाएंगे, गाइस एक हेयर पीएनजी है कहाँ है यूरा, एक हेयर पीएनजी हमने ऐड कर लिया है यहाँ। तो वैसे हमने एक हेयर पीएनजी, तो गाइस हम पहले इरेजर ले लेंगे, इरेजर से पार्ट जो है सब इरेज कर देंगे गाइस। अब इसे बड़ा करेंगे गाइस, इसे यहाँ लगा देंगे इसके हेड पर। यहाँ से इरेजर पे क्लिक करके गाइस यहाँ से इसके हेयर मिटा देंगे नीचे से गाइस। यहाँ से हार्डनेस कम कर देंगे, ओपेसिटी थोड़ी सी कम करेंगे, साइज बढ़ाएंगे और इसे भी यहाँ से करेंगे गाइस। और इसे भी यहाँ से थोड़ा सा ही कर देंगे गाइस। यहाँ पहले ले आएंगे गाइस इसे, फिर इरेजर पे जाएंगे, ये हार्डनेस थोड़ी सी बढ़ा लेंगे गाइस। इसे यहाँ से इसे धीरे धीरे गाइस इरेज कर देंगे गाइस। अब सुनने देखा गाइस हमारा हेयर पीएनजी भी लग गया है। गाइस हमारा फोटो हो गया है तैयार और अब हम थोड़ी सी में लाइट रूम में जाकर कलर क्रिएशन करेंगे। तो ड्रॉ टूल्स पर जाएंगे और थ्री डॉट्स पर जाके इसे कर देंगे सेव। तो गाइज हम लाइट रूम ओपन करेंगे, इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ।
तो गाइज हमने अपना फ़ोटो यहाँ इंपोर्ट कर लिया है। तो गाइज हम इसमें थोड़ी सी कलर करेक्शन करते हैं, चले चलते हैं कलर करेक्शन करनी। तो गाइज पहले हम इसमें लाइट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इसका एक्सपोजर थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को भी नहीं छेड़ेंगे, बाद में करेंगे गाइज। हाइलाइट्स को थोड़ा बढ़ा देंगे, शेडोज़ को कम कर देंगे, वाइट्स को बढ़ा देंगे, ब्लैक्स को बढ़ा देंगे। गाइज अब टेम्परेचर पर आकर यहाँ से कर देंगे कस्टम। पहले इसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, टिन को थोड़ा बढ़ा देंगे, वाइब्रेंस को बढ़ा देंगे और सेचुरेशन की भी थोड़ा बढ़ा देंगे। और गाइस यहाँ से आप मिक्स टूल में आकर रेड कलर की थोड़ी सेचुरेशन गिराएंगे, ह्यू गिराएंगे और सेचुरेशन इंक्रीज़ करेंगे। तो गाइस और लुमिनेंस भी थोड़ी इंक्रीज़ करेंगे और फेस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, और येलो इसमें कलर है नहीं, और ग्रीन पे जाकर ग्रीन को कर देंगे थोड़ा सा हाइलाइट करेंगे ग्रीन को थोड़ा सा। जैसे हाइलाइट ग्रीन हो रहा है, इसको नहीं छेड़ते, इस वाले को आप जाकर अब जो सी हो अच्छी लगती हो मैं थोड़ी सी से इंक्री लो करूँगा और सेचुरेशन बढ़ा दूँगा और लुमिनेंस बढ़ा दूँगा। तो गाइज हमारी पिक हो गई तैयार, और थोड़ी सी हम इसमें क्लैरिटी इंक्रीज करेंगे, डेज बढ़ा देंगे और मिगनेट डाल देंगे गाइज। और ये फोर्थ ऑप्शन में जाकर शार्पनिंग थोड़ी सी बढ़ा देंगे, नॉइस रिडक्शन बढ़ा देंगे गाइस, और आप देख सकते हैं हमारा फोटो हो गया है तैयार। तो गाइस हमारा फोटो देखिए बिल्कुल भी नहीं फट रहा है, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये पिक पिक पिक्सआर्ट में कैसा था और लाइट रूम में कैसा होगा। तो गाइस ये पिक पिक्सआर्ट में कुछ ऐसा था और लाइट रूम में ऐसा हो गया। तो गाइस देखिए हमारी कितनी अच्छी हमने फोटो एडिटिंग कर दी है, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, लाइक कर देना। अगर अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल जाए। और आपको नई वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस टॉपिक पर बना दूंगा वीडियो।